हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन हीलिंग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ओरेकल रीडिंग करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि दिसंबर मंथ के लिए यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, और इसी के साथ और मैसेजेस भी हम देखेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं, इसमें से आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर चूज़ कर लीजिए और मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग पर। सो जिन्होंने भी ACEHMRULYWSQ चूज़ किया है, इसमें से कुछ लेटर अगर आपने चूज़ किया है, तो चलिए हम जानते हैं यूनिवर्स की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस हैं। इसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ, इसे अभी हम हटा देते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ओशो ज़ेन टैरो से देखेंगे। ओके, थैंक यू। हीलिंग, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास हीलिंग। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास प्लेफुलनेस। ओके, ब्रेक थ्रू, वेरी नाइस। अवेयरनेस, मैच्योरिटी। ओके, तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, मुझे लग रहा है आप लोगों ने रिसेंटली कुछ हार्ट ब्रेक फेस किया है। फ्रेंड्स, कोई दर्द छुपा के रखा है आपने अंदर, कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही है और आप उसे बाहर नहीं आने दे रहे हैं, किसी के भी सामने उसे आने नहीं दे रहे हैं। अपने ही अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इतना सारा टेंशन, इतना सारा स्ट्रेस आपने ले रखा है। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो मुझे मैसेज यहाँ पे दिख रहा है डिवाइन का, वो है आपके लिए उन सारी चीज़ों को जो भी आपने फेस किया रिसेंटली या पहले कभी फेस किया है, उन सब चीज़ों को आप भूल के, लेट गो करके आपको आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, एक हीलिंग बोल रहे हैं एंजल्स आपके लिए, एक हीलिंग आपको खुद की करनी है, आपकी फिज़िकल बॉडी की भी हीलिंग आपको करनी है, आपकी एनर्जी बॉडी की हीलिंग भी आपको ही करनी है, मेंटल इमोशनल जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, उन सब की हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है पाइल नंबर 1, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपको हील करने के लिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी पड़ती है। कोई नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ है, किसने आपको दर्द दिया, एग्जैक्टली क्या हुआ है, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हम किसी को बता पाएं। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, कोई हमें समझ पाता है, कोई हमें नहीं समझ पाता है, पर हम सबको जानते हैं, हमारी सोल सबको जानती है क्या सही है क्या गलत है। आपको आपकी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 1। पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ, उसे अब लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए। आपकी आँखों पर जो आपने पट्टी बांध रखी है, उसे अब खोलिए, आप आगे बढ़िए, पास्ट में मत अटकिए पाइल नंबर 1। ओके, ये सबसे पहला मैसेज है दिसंबर के लिए आपके लिए, आपको आगे बढ़ना है। इस दिसंबर में आपको कुछ नया करना है और पूरे उत्साह के साथ आपको उस चीज़ में आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कुछ नया कीजिए, क्रिएटिव, ऐसा जो आपको भी अंदर से हील कर दे और आपके आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी कुछ नया आप में दिखे कि हाँ, ये चेंज हो गया है बंदा, कुछ टाइम पहले ये कैसा था और अभी कैसा हो गया है। एक
फ्रेशनेस अपने अंदर लेकर आई है। आप कहेंगे इतना सारा टेंशन है, कैसे करूं, क्या करूं? मैं सिंपल सी आपको चीज़ बताऊंगी फ्रेंड्स, ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। जो होना था, जो लाइफ लेसन्स आपको सीखने थे, जो लर्निंग आपको करनी थी आपने की, उसमें से जो भी चीज़ आपको सीखने के लिए ये सिचुएशन आपके सामने आई, उसे ढूंढ कर सीख कर आगे बढ़ जाइए कि हाँ, इस इंसिडेंट से मैंने ये सीखा और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग है, मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। खुद से कहें, अपने मन को समझाइए। हर समय अपने मन को समझाने की आदत डालिए। पायल नंबर वन, अपने आप आपकी हीलिंग होने लगेगी। मन हमारा बार बार पास की चीज़ों को याद करेगा, पर आपको क्या करना है, उसे समझाना है, नहीं मुझे कुछ नया क्रिएट करना है, मुझे कुछ नया करना है अपने लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए। अगर आप अटके रह जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, बिल्कुल फ्रेश एक नई स्टार्ट कीजिए। जो भी हुआ आपके साथ, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा फ्रेंड्स। डिवाइन सब कुछ देख रही है। हमारे कर्मों से हम नहीं बच सकते, ना भाग सकते हैं। अगर आपकी कोई गलती नहीं थी, आपने हर्ट बहुत ज़्यादा सहन किया, पेन सहन किया, बहुत ज़्यादा दर्द में रहे, डिवाइन ने सब कुछ देखा। बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टाइम आपके लिए आ रहा है नए साल में। अवेयर होके आगे बढ़िए। जो भी पीछे की चीज़ें थी उन्हें भूल कर नए साल में, ये दिसंबर के मंथ में, अपने आप को हील कीजिए, क्लीन कीजिए पुरानी चीज़ों से और आगे बढ़िए। जो अंधेरा था वो अब उजाले में बदलने वाला है। रोशनी आपके लिए आ रही है दोस्तों, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। फाइनेंशियली भी आपकी कंडीशन जो थी वो चेंज होगी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे आपकी होती हुई दिख रही है इस मंथ में फ्रेंड्स, दिसंबर में। और इमोशनल हीलिंग भी आप अपनी खुद की करने की कोशिश करेंगे इस मंथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग नई शुरुआत करेंगे, बिजनेस में भी हो सकती है, या फिर कुछ कोर्स वगैरह आप करने के बारे में सोच सकते हैं, जिससे कि आपकी लर्निंग भी हो, आप कुछ सीखे भी और आपका मन भी लगा रहे हैं, पुरानी बातें आप भूल जाएं। तो पूरी अवेयरनेस के साथ आपको आगे बढ़ना है पाइल नंबर वन। हम और भी मैसेजेस देखेंगे, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए इस दिसंबर में, आपको क्या और करने की ज़रूरत है। जस्टिस ज़रूर आपको मिलेगा और मुझे पूरा विश्वास है, ये कार्ड्स जैसे आए हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है फ्रेंड्स, और मुझे लग रहा है कि आप पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, अपनी खुद की हीलिंग आप करेंगे, अपने ऑरा को भी क्लीन आप कीजिए, जो नेगेटिविटी आपके पास आपको फील होती है उसे भी आप क्लीन कीजिए फ्रेंड्स। जब भी आप बात लें तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिलाकर, नमक मिलाकर गर्म पानी में आप उससे बात लें, ओके। इससे आपका ऑरा क्लीन होगा, आपके आसपास की जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव एनर्जी है, वो क्लीन होगी, ओके। और एक बात और कहूँगी, थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन भी कीजिए और अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इमोशनल बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की है, अपने हार्ट चक्रा को हील करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हार्ट चक्रा को हील करने के लिए आप ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, और जब भी मेडिटेशन करें तो इस हार्ट चक्रा के मूल मंत्र का उच्चारण करें, यम, इसे मैं करके बताती हूँ। जब भी आप करें तो अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रखें, सेंटर ऑफ द चेस्ट पर रखें और आंखें बंद करें और इस तरह से उच्चारण करें, यम। ये जो म की साउंड है ये लंबा जाना चाहिए, ओके। इससे बहुत रिलीफ आपको मिलेगा, लिटरली आप इसे ज़रूर करके देखिए। और मैसेज हम देखते हैं आपके लिए, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। तो ये मैसेज भी ज़रूरी आपके लिए था। सो फ्रेंड्स, ये जो मैसेज आया है आपके लिए यही बता रहा है कि अपने
दोनों लाइफ को बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना है गाइस। चलिए मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, फिर इसे एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, सो आपके लिए मैसेज है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यस यस पाइल नंबर वन, आपको ज़रूरत है जानने की कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी आपके साथ हुआ, जो भी सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, जो भी पास्ट में सिचुएशन बनी या अभी रिसेंट में बन रही है, आप देखिए अपने आप में इनर चेक कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, सिचुएशन से कैसे आगे बढ़ना है आपको। ओके, सो फ्रेंड्स, ये कार्ड जो है ये यही बताता है कि बैलेंस करके चलिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, फिजिकल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को। और जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे हार्ट ब्रेक क्यों फेस करना पड़ा, मेरी हेल्थ इश्यूज़ क्यों चल रही है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों चल रही है, ये सब जो है हमारा ही एक प्लान किया हुआ है फ्रेंड्स, लर्निंग लेने के लिए। आपके सामने जो भी आ रहा है बस उसे फेस करते जाइए, ज़्यादा क्वेश्चन अपने माइंड में मत लेकर आइए। ये सब हमने ही डिज़ाइन किया है और यही सब चीज़ें हम यहाँ पर आकर भूल जाते हैं कि ये सब हमने डिज़ाइन किया है। हम इन सब मोह माया में फंस जाते हैं दुनिया की कि मुझे तो बस अच्छा अच्छा ही चाहिए, मुझे खुशियाँ खुशियाँ ही चाहिए। अगर खुशियाँ ही खुशियाँ हम चाहेंगे दोस्तों, तो लर्न कैसे करेंगे? इस पृथ्वी पर आने का हमारा सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें कुछ सीखना है, हमारी सोल को हमें इवॉल्व करना है। तो सब अच्छा ही अच्छा हमें मिलेगा हमेशा, तो हम कुछ सीख कैसे पाएंगे? दुख जो हमारे जीवन में आता है वो हमारा गुरु है जो हमें कुछ सिखाता है। बार बार अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है, कुछ दर्द की, कुछ हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं आपके, तो फ्रेंड्स ये कुछ सिखाने आपको आ रहे हैं। आप उससे वो चीज़ नहीं सीख रहे हैं जो सीखने आप आए हैं। ओके, हो सकता है आप मूव ऑन नहीं करना सीख पा रहे हैं, उसी चीज़ों में अटके हुए हैं, इसलिए ये सिचुएशन बार बार बनती है। ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो बार बार इसलिए आपकी लाइफ में आ रही है क्योंकि आप उससे लर्निंग नहीं ले रहे हैं। आप उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं कि आखिर मैं ही क्यों। इस चीज़ को आपको छोड़ना होगा। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी बताता है कि मेडिटेशन कीजिए, धीरे धीरे आपकी सोल एक पीस स्टेट में जाने लगेगी, एक शांति उसे मिलने लगेगी और अपने आप ही आपके सारे सवाल गायब होने लगेंगे दोस्तों। ओके, सो ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है दिसंबर मंथ के लिए फ्रेंड्स। और भी कुछ मैसेज हम देखेंगे यहाँ पर आपके लिए। ओके, सो मैं निकालती हूँ। ओके, कितना प्यारा मैसेज है फ्रेंड्स, नो बडी इज़ परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब सीखने आए हैं कुछ ना कुछ, हम सब सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। तो किसी को जज मत कीजिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रहा है। गुड वाइब्स ओनली, नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर कर दीजिए अपने आप से। हमेशा गुड वाइब्स में रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, कुछ अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। और भी मैसेज हैं, लव योर जॉब, जो भी आप कर रहे हैं उसे प्यार कीजिए। आपकी जैसी भी जॉब का कोई अगर इशू चल रहा है मान लीजिए आपकी लाइफ में, तो उसे पसंद कीजिए, वो अपने आप ही उससे आपको अच्छी चीज़ें मिलने लग जाएगी। ओके, लव योर जॉब। चेंज इज़ गुड, चेंज इज़ गुड से मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ऐसा भी हो सकता है। तो चेंज जो होता है वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हमारे लिए अच्छा ही होता है चेंज को एक्सेप्ट करना। ओके, हमेशा एक ही वाइब्रेशन में अगर हम अटके रहेंगे तो कुछ नया कैसे सीखेंगे? तो ज़रूरी है सीखना और आगे बढ़ना, तो चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। प्रोटेक्ट योर हेल्थ, मैंने जैसा कहा था कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं या चल रहे होंगे, तो उसका भी ध्यान रखिए। इमोशनल हीलिंग करने के साथ साथ फिज़िकल हीलिंग भी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ओके, पाइल नंबर वन,
टेक केयर ऑफ योर लव वंस। इसका तो आप मतलब समझ ही गए होंगे, आपको खुद के साथ साथ अपने प्यार करने वालों को भी केयर करना है फ्रेंड्स। अगर आप खुश रहेंगे तो वो लोग भी खुश रहेंगे जो आपको प्यार करते हैं। केयर कीजिए अपने लव वंस की। जस्ट स्टार्ट, सोचिए मत, स्टार्ट कर दीजिए। जो भी करना चाहते हैं अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कर दीजिए, इसी समय से स्टार्ट कर दीजिए पायल नंबर वन। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की दिसंबर मंथ के लिए, और एक तरह से जनवरी के लिए आपके लिए एक रास्ता खुल गया है कि आपको क्या करना है। ओके, तो पूरे जोश के साथ आगे बढ़िए दोस्तों। ओके, सो ऑल द बेस्ट पायल नंबर वन। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। हेलो पायल नंबर टू। सो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था, ये अल्फ़ाबेट, इसमें से कोई अल्फ़ाबेट चूज़ किया था, तो ये रीडिंग आपकी है। चलिए जानते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या मैसेजेस हैं दिसंबर मंथ के लिए। कार्ड शफल कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पायल नंबर टू, जैसे कोई काम को करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है आपको, कुछ करना है के लिए जैसे सब्र ही नहीं हो रहा कि नहीं बस अभी ही कर दूँ। ये पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आया कि बहुत ज़्यादा जल्दी में आप हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी, थोड़ा धीरज रखिए, धीरे धीरे बेबी स्टेप की तरह धीरे धीरे आगे बढ़िए। ओके, सो फर्स्ट मैसेज है हमारे पास इंटीग्रेशन। ओके, ब्रेक थ्रू, बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, क्लीनिंग टू द पास्ट। नेक्स्ट, चेंज। वाओ, वेरी नाइस। सो और भी कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ पहले ही दूसरी डेक से। ओके, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, इसे मैं यहाँ पर रखती हूँ। वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके, ये कार्ड भी मैं यहाँ पर रखती हूँ। सो पायल नंबर टू, सबसे पहले तो यही कहूँगी कि कोई नया चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी सिचुएशन अभी तक चल रही थी आपकी लाइफ में, उसमें एक बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। तो तैयार हो जाइए एक नए बदलाव के लिए, एक नए चेंज के लिए। और ये चेंज जो भी आने वाला है वो मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हील करने की और आगे बढ़ाने की, खुद को। जिस भी सिचुएशन में आप अभी स्टक हैं, उस सिचुएशन से खुद को निकालने की कोशिश आप भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो चेंज तो ऑब्वियसली आने ही वाला है आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, पर बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पहले जो आपको अपने अंदर बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं कहूँगी कि अपनी थिंकिंग को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए पायल नंबर टू। देखिए आप कि आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है, कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें तो नहीं सोच रहे हैं आप अपनी लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर या अपनी हेल्थ को लेकर। हम एक मैग्नेट की तरह हैं फ्रेंड्स, हमारे जो थॉट्स हैं वो मैग्नेट की तरह हैं, जो भी हम सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट कर लेते हैं हमारी लाइफ में। यूनिवर्स हमेशा यही कहता है तथा अस्तु। तो जो भी आप सोच रहे हैं, सोच समझ के सोचिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ओके, पायल नंबर टू, बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको अपनी एनर्जी को। नेगेटिव जो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपको डिस्टर्ब करे हुए हैं,
पायल नंबर टू, आपको अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। पायल नंबर टू सबसे पहली और मेन बात है आपके लिए। और एक चीज़ यहाँ पर और कहना चाहूँगी कि जो भी पास्ट में हुआ फ्रेंड्स, उसे रिलीज़ कीजिए। वो आपका पास्ट था, प्रेजेंट आप जी रहे हैं और फ्यूचर अभी आने वाला है। पास्ट में अटके रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, ये जो चेंज है ये भी नहीं ला पाएंगे। पास्ट की मेमोरीज जो भी हैं, जो आपको हर्ट करती हैं, जिन्होंने आपको दर्द दिया, उसे भूलने की कोशिश कीजिए, लेट गो करने की कोशिश कीजिए। ओके, जो भी आपके साथ हुआ, आपके किसी अपनों ने अगर आपको दुख दिया है, या किसी फ्रेंड ने आपको चीट किया है, या कुछ भी हुआ, जॉब में, फाइनेंसेस में कोई इशू चल रहा है, एक नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? अंदर से, अपने अंदर से शुरुआत कीजिए। सोचिए कि हाँ, मुझे अब कुछ नया करना है अपनी लाइफ में, खुद के लिए। ओके, पायल नंबर टू, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना है, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना है, आगे बढ़ना है। कोई डिसीज़न है जो आप नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिसीज़न मुझे लग रहा है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज, पर ये ज़रूर है कि कोई डिसीज़न है जिसमें आप अटके हुए हैं, ले नहीं पा रहे हैं उस डिसीज़न को। हो सकता है लेट गो करने का, मूव ऑन करने का। तो मैं यही कहूँगी, मेडिटेशन कीजिए, एंजल से प्रेयर कीजिए। एंजल को अगर आप नहीं मानते हैं, तो जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था हो, उनको इन्वोक कर कर आप मेडिटेशन में बैठ जाइए। आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा दोस्तों। ओके, और ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगी यहाँ पर। और भी मैसेज ये हम देख लेते हैं। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जिस सिचुएशन में आप अटके हुए हैं, उसमें से उसमें जिसमें आप अटके हुए हैं, उसमें अटके हुए आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर अटके रहेंगे तो अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। हमें क्या चाहिए? उजाला चाहिए, लाइट चाहिए, राइट? तो हमें खुद उजाले को लेकर आना पड़ेगा हमारे लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपनी थिंकिंग पैटर्न को चेंज कीजिए। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फ़ेस की है फ्रेंड्स। कितनी डिफ़िकल्टीज होती हैं हमारी सोच को बदलने में हमें, और इसके लिए हमें कोई और हेल्प नहीं कर सकता, हमें खुद की ही हेल्प करनी होती है। ओके, नेगेटिविटी से दूर रहिए, ओवर थिंकिंग से दूर रहिए, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए। पायल नंबर टू, ये मैसेज और देखते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स, जो भी डर हैं आपके अंदर। एक बात कहूँगी फ्रेंड्स, डर जब तक होता है जब तक हम उसे फेस नहीं कर लेते। अगर हम उसे फेस कर लेते हैं तो वो डर डर नहीं रह जाता। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसे ट्राई करके देखिए। जो भी डर है आपको, आगे बढ़ने का डर है, किसी को पीछे छोड़ने का डर है, तो ये आप कर सकते हैं। आपके अंदर ताकत है, स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने की, उस चीज़ को जो आपको हर्ट कर रही है उसे पीछे छोड़ने की, बिल्कुल आप में ताकत है, और हर पर्सन में ताकत है इस चीज़ को करने की दोस्तों। तो ट्राई कीजिए, अपने फियर्स को जीतने की कोशिश कीजिए। पायल नंबर टू, फियर्स एक सिर्फ इल्यूजन है हमारी लाइफ का, वो फियर नहीं है। डर जो होता है सिर्फ एक इल्यूजन है, सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। ये खुद ही हम हमारी दुनिया में बना लेते हैं कि मुझे इससे डर लग रहा है, मुझे ये करने से डर लग रहा है। आप करके देखिए, वो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। ओके, और भी हम मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। इसमें से डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है? पायल नंबर टू। ओके ओके, सो यहाँ पर मैसेज है, लव योर पेरेंट्स। सो यहाँ पर डिवाइन कह रही है, अपने माता पिता को खूब प्यार दीजिए, खूब प्यार करिए उनसे। ये ब्लैंक था। डोंट वरी, बी हैप्पी। खुश रहना है, किसी चीज़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन एंजल्स आपके साथ हैं।
नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, सपने देखना कभी नहीं छोड़ना है आपको। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ओके, सपने ज़रूर देखिए, मैं भी बहुत सपने देखती हूँ। आई हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विथ मनी। ओके, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, ये एक अफर्मेशन है फ्रेंड्स, आप इसे बोल सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, आई हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विथ मनी। ओके, एक और मैसेज है यहाँ पर, ये भी अफर्मेशन है, आई एम ब्यूटिफुल एंड एवरीबडी लव्स मी। अगर आपको आपकी लाइफ में प्यार की कमी महसूस होती है, ऐसा लगता है कि लोग मुझे प्यार नहीं करते, मुझे समझते नहीं हैं, तो आप इस अफर्मेशन को बोल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अफर्मेशन से भी हम हमारी लाइफ में बहुत सारा चेंज ला सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ गाइडेंस मिली हो। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।